हेलो स्टूडेंट्स, आई क्लास 12th. टूडेज वी डिस्क्राइब लास्ट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर दैट इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को डिस्क्राइब करेंगे कि पॉपुलेशन में जो इंट्रैक्शन होते हैं वो किस तरह से होते हैं और किस तरह से इंट्रैक्शन वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है. जिससे आप देखे होंगे इस पॉपुलेशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इंट्रैक्शन होता है, लोअर प्लांट्स हायर प्लांट का भी इंट्रैक्शन होता है. तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द नीट एग्जामिनेशन. तो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में हम आपको एक पॉइंट है शो कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में हम यहाँ आपको एक जो है टेबल शो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंस. ये टेबल स्टूडेंट्स इतना इम्पॉर्टेंट है कि यह 100% माइंड में आप सेट कर लीजिए कि जब भी कोई नीट का पेपर बनता है तो इस टेबल से क्वेश्चंस रहते हैं. नियर अबाउट 99% चांसेस होते हैं, हम कह सकते हैं कि 100% चांस होते हैं. सेम इसी तरह से अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो कि 100% कन्फर्म है. हाँ तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा देखें यह जो टेबल दिया गया है, टेबल 13.1, जैसे इसमें देख रहे हैं कि आपको शो किया गया है स्पीसीज, या दैट इज स्पीसीज ए, स्पीसीज बी एंड द नेम ऑफ इंट्रैक्शंस. तो स्पीसीज ए में आप देख रहे हैं और स्पीसीज बी और नेम ऑफ इंट्रैक्शंस. नेम ऑफ इंट्रैक्शन में अगर हम चेक करें, फर्स्ट पॉइंट दिया है मशरूजम. तो मशरूजम से कैसा इंट्रैक्शन होता है जिनमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है. जैसे दो स्पीसीज अगर आपके पॉपुलेशन में है और दोनों को जो बेनिफिट हो, दैट इज एग्जांपल है मशरूजम्स. तो मशरूजम को स्टूडेंट्स हम जो है ये कह सकते हैं दैट इज सिम्बायोसिक, दैट इज सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप होता है वह मशरूजम के ही इंक्लूड आते हैं. जैसे अगर हम बात कर लें कि लाइकेंस की, लाइकेंस में क्या देखते हैं कि एल्गी, लाइकेंस में एल्गी एंड फंगी, एल्गी एंड फंगी का एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है. दो स्पीसीज साथ हैं, दोनों को बेनिफिट होते हैं. सेम इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल चेक करें, जैसे आप कह सकते हैं माइकोराइजा एसोसिएशन, जैसे माइकोराइजा एसोसिएशन. तो माइकोराइजा एसोसिएशन में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट जो है, तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि जो एल्गी का हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है वो आपके माइकोराइजा एसोसिएशन होते हैं. जैसे आर्किड्स प्लांट में देखा गया है, या पाइनस प्लांट में देखा गया है, या आप देखेंगे तो साइकस में, साइकस के क्लोराइड रूट्स में एल्गल का एसोसिएशन देखा जाता है. तो दैट इज माइकोराइजल एसोसिएशंस. तो इसमें से माइकोराइजल एसोसिएशन भी एक टाइप ऑफ मशरूजम ही आएगा. जैसे अगर कभी कभी फंगल एसोसिएशन हो जाता है, जो है फंगल एसोसिएशन हायर प्लांट से, तो वो भी आपके माइकोराइजल एसोसिएशन में आते हैं. तो माइकोराइजल एसोसिएशंस हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जो बात भी कर रहे थे माइकोराइजा एसोसिएशन, तो माइकोराइजा एसोसिएशन स्टूडेंट्स आप समझेंगे कि माइकोलॉजी जो आप पढ़े हैं कि स्टडी ऑफ फंगी. तो माइकोराइजल एसोसिएशन स्पेशली फंगल का एसोसिएशन हायर प्लांट्स होता है, तो उसे हम लोग माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं. तो माइकोराइजा एसोसिएशन भी एक आपका जो है मशरूजम का एक एग्जाम्पल से. तो माइकोराइजा में होता है क्या स्टूडेंट जो है कि
माइकोराइजल एसोसिएशन फंगी एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो माइकोराइजा में जो एनसीईआरटी टॉपिक आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको माइकोराइजल एसोसिएशन मोशरूजम का बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा। इसमें होता है कि एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, और इसमें क्या होता है कि द फंगी हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल, वाइल द प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड द फंगी विथ एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो फंगी होता है वह न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, और प्लांट जो है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फंगी को प्रोवाइड करता है। तो दैट इज बेनिफिशियल बोथ ईच अदर, इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। कहने में से दोनों स्पीशीज क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ए बी प्लस पी बी प्लस, दैट इज म्यूचुअल। सेकेंड एग्जाम्पल हम आते हैं सेकेंड, दैट इज कंपटीशन। इसमें कंपटीशन में क्या होता है कि स्पीशीज से, इसमें से वन स्पीशीज और सेकेंड स्पीशीज, दोनों स्पीशीज को जो है क्या होते हैं कि हार्मफुल, दोनों स्पीशीज अगर साथ में है दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, दोनों मैंने अनएफेक्टेड नहीं हम कह सकते, दोनों को हार्म होता है। ऐसे कंपटीशन में हम चेक करते हैं, कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है, इसमें कोई स्पीशीज बेनिफिट नहीं होता। इसका भी एग्जांपल आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीडेशन, प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटर होता है जिसको तो बेनिफिट होगा लेकिन जो प्रे बनेगा उसको हमेशा नुकसान ही होता है। तो इस प्रीडेशन में एक स्पीशीज को प्लस बेनिफिट और दूसरे को जो है हार्म होता है। सेम ही कंडीशन पैरासिटिज्म होता है, पैरासिटिज्म में भी होता है कि जो पैरासाइट होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, जो होस्ट होते हैं उनको जो ऑलरेडी उनका हार्म होता है नुकसान होता है। तो इसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, एक स्पीसीज को जो है नुकसान होता है। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म भी टू टाइप होते हैं, इक्टो पैरासाइट इंडो पैरासाइट। जैसे स्पीसीज अगर बॉडी की आउटर सरफेस हो तो इक्टो पैरासाइट है, और बॉडी की इनसाइड होगा तो इंडो पैरासाइट होगा। तो पैरासाइट जो होता है हमेशा वो बेनिफिशियल होता है लेकिन जो होस्ट होता है वो हमेशा जो है उसको हार्म होता है। जैसे डिफरेंट टाइप पैरासाइट पड़े होंगे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स या एस्केरिस पैरासाइट्स, तो ये होस्ट को हमेशा नुकसान ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में पैरासिटिज्म में एक को प्लस एक माइनस, कनिंग में से एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरे स्पीसीज को जो है हार्म होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो स्पीसीज है इसको प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। सेम इसी तरह से कंडीशन आते हैं कॉमन सिलिजम, कॉमन सिलिजम, कॉमन सिलिजम में क्या होता है स्टूडेंट, जो है कि एक स्पीशीज को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशनों को कहते हैं कॉमन सिलिजम, कहते हैं कि एक स्पीशीज बेनिफिशियल हो, कहने में से कि दो स्पीशीज एक साथ हो और एक को बेनिफिट मिले और दूसरे पे कोई इफेक्ट ना हो, दैट इज कॉमन सिलिजम। नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज को हार्म होता है नुकसान होता है और दूसरे स्पीसीज कोई अफेक्ट नहीं होता है, दैट इज एमेंसलिज्म। स्टूडेंट्स एमेंसलिज्म का जो बेस्ट एग्जांपल है ये देख सकते हैं पेनिसिलियम। जब पेनिसिलियम की एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये वर्क कर रहे थे, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ए बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया ग्रोथ करा रहे थे। तो वो क्या देख रहे हैं कि इस पेट्री डिश के सरफेस पर फंगस ग्रो कर गया, और ये जो फंगस है ये फंगस का स्ट्राइक जब इसमें कल्चर मीडिया में ड्राफ्ट हुआ तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया का नंबर जो है डिक्रीज होने लगा, बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज होने लगा। तो ऐसे कंडीशन में अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस फंगस को तो कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन बैक्टीरिया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस पर फंगस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये जो फंगस है कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन इस बैक्टीरिया का लॉस हो रहा है। कहने में इस है कि फंगस अनइफेक्टेड, इस पर हम क्या दिखाएंगे, जीरो, लेकिन बैक्टीरिया क्या दिखाएंगे हम, माइनस। तो यह जो पेंसिलियम, पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन का जो डिस्कवरी किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिनको नोबल प्राइज़ मिला, तो यह एक एमेंसिलिजम का बेस्ट एग्जांपल है।
कि इसमें एक स्पीशीज को जो है कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है। जिससे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पेंसिलियम ये फंगस है, ये जो पेंसिलियम है, ये पेंसिलियम फंगस, इसको तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, तो बैक्टीरियल कॉलोनी में बैक्टीरिया का नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एमन सिलेजियम। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने टेबल दिखाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर इसको हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। म्यूचलूजियम में क्या होता है, दो स्पीशीज साथ रहेंगे और दोनों को बेनिफिट होगा। कॉमन सेल कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को हार्म होता है। प्रीडेशन में क्या होता है कि जो प्रीडेटर होता है उसको बेनिफिट, अदर स्पीशीज को जो है हार्म होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, मीन्स एक को बेनिफिट होगा जो पैरासाइट है बेनिफिट होगा, जो होस्ट होगा उसको जो बेनिफिट नहीं होगा उस माइनस होगा। कॉमन सिलेजियम में क्या होता है कि एक स्पीशीज को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन एक स्पीशीज को जो है बेनिफिट होता है। और एमन सिलेजियम में क्या होता है कि एक स्पीशीज पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरे स्पीशीज पर हार्म होगा, दूसरे का नुकसान होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी में हेडिंग वाइज दिया है, तो आप हेडिंग वाइज एक एक एग्जाम्पल इसको चेक करेंगे। और अगर कोई भी हेडिंग्स आपको कंफर्म नहीं होते हैं तो आप कमेंट भेजेंगे, तो उसको हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स।